हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी डॉट इन। मैं हूं हिमांशु भाटिया और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, छोटू सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर हम बाकी क्वेश्चन की भी अभी बात करें तो ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन में एक ही छोटा सा काम करना है और वो छोटा सा काम मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्विकली समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी इंट्रोडक्शन की तो प्लीज गो एंड वॉच इट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक पैरामेट्रिक फॉर्म। सो जस्ट रिकॉलिंग इट क्विकली, अगर मेरी कोई मामी की, ननद की बहन, लाइक देयर इज सम रिलेटिव ऑफ माइन समानी, एंड सिमिलरली आपका भी कुछ ना कुछ रिलेशन है दूर का उन आंटी के साथ, तो somehow हम भी तो रिलेटेड हुए ना। पता नहीं हमारा आपस में क्या रिलेशन है बट वी आर रिलेटेड। तो इस टाइप का रिलेशन गिवन होता है इन क्वेश्चंस में। अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो आंटी वाली चीज में क्या बोल रही हो। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय गिवन इक्वेशन, यानी कि हमें इक्वेशंस गिवन होंगी किस तरीके की, इस तरीके की, जैसे कि एक्स टी के टर्म्स में है, वाई भी टी के टर्म्स में, बाकी कॉन्स्टेंट है, ए इज द कॉन्स्टेंट। तो ये जो टी है वो आंटी है जिससे एक्स और वाई कनेक्टेड है, तो एक्स और वाई का आपस में भी कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया और हमें फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो आप कुछ समझदार लोग क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से दूसरे में पुट कर दें जिससे कि एक्स और वाई का रिलेशन हमें मिल जाए, बट वो काम नहीं करना है विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई का आपस में रिलेशन ही निकालना, इसको अलग लेके चलना है, इसको अलग लेके चलना है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लो, डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लो और फिर इसके अपॉन में डी एक्स बाई डी टी फाइंड करा हुआ लिख दो, डी टी डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग x इक्वल टू 2at² एंड y इक्वल टू 8t^4 विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो तुम, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, दोनों को अलग अलग t के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, राइट, बोथ साइड्स। आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, सो वी गेट डी वाई बाय डी टी। पहले हम डी एक्स बाय डी टी भी लिख सकते हैं पर मैं हमेशा पहले डी वाई बाय डी टी लिखूंगी और फिर क्या करेंगे, डी एक्स बाय डी टी लिखेंगे। पहले इसको लिखने का मेरा क्या रीजन है कि अक्सर क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस करना है हमें डी वाई बाय डी एक्स के लिए। अगर डी एक्स पहले लिखते हैं ना गलती से बच्चे ऊपर वाला ऊपर लिख देते हैं पहले, तो डी एक्स बाय डी वाई वो उल्टा हो जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, डी वाई बाय डी टी पहले लिख दिया। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिख लो सेम ही लिखी हुई है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एन एच एस में डी वाई बाय डी टी आ गया और आर एच एस में ये क्या लिखा हुआ है, ए टी पावर 4, यानी कि ए कॉन्स्टेंट है साथ में टी की पावर 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटू में इसका डेरिवेटिव टी की पावर 4 का जो भी होता है 4t³। अब ये मत कहना कि ये कहां से आया, पावर नीचे ले आए एक और उसके बाद वेरिएबल की पावर एक कम कर दी। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता देना, एक्स की पावर एन का जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की पावर एन को तो क्या मिलता है, एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1। So using that formula only we got this. Then इस वाली equation को देखेंगे, dx by dt अगर हम find करते हैं, LHS तो RHS क्या है, 2a constant है, बचा t square का same तरीके से जैसे ये किया था 2t differentiation आ गया। Now आपको ये भी बताना पड़ेगा कि dy by dx जो है ना, जो हमें find करना है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ऐसे आपको लिख के बताना है, कहा आ गया ऊपर क्या है, 4at³ मेरा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी 4at। तो यहां से जो कट रहा है वो काट दो,
4 चला गया, a चला गया, t cube upon t, that is t square. So, dy by dx comes out to be t square. बहुत simple question था, पूरी exercise ही नहीं, पूरे chapter का सबसे easy question लगता है मुझे ये. So, thanks a lot for watching this video. I'll see you another time with another question. So, take care of yourself. Keep smiling. I hope आपको ये समझ में आ रही है चीजें. अगर कुछ नहीं आ रही है, कुछ कहना चाहते हो, तो please let me know in the comment section below. So, yeah, I'll see you next time. Bye-bye. Take care. Keep smiling.